उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश है, बरसता आसमान नदियों में उफान ला रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने घाटों को जलमग्न कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी में गंगा का पानी किनारे के इलाकों को तबाह करने पर तुला हुआ है। रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी तक नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा हाहाकार मचाती बह रही है। ये शिव की मूर्ति जिसे आप देख रहे हैं, ये 15 फीट ऊंची है। उफान पर आई अलकनंदा इसे अपने भीतर समा चुकी है। पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि मूर्ति का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के खतरे का निशान 627 मीटर है और ये फिलहाल खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। इस उफान की वजह से रुद्रप्रयाग में नदी किनारे के सारे घाट डूब चुके हैं। अथाह पानी की वजह से उनका कहीं अता पता नहीं है। वहीं नदी के साथ बहकर आ रहे मलबे से भी घाटों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने घाटों पर आवाजाही की पाबंदी लगा दी है। अलकनंदा का ये विकराल रूप भय पैदा कर रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद नदी उफन रही है। अगर बारिश ऐसी ही जारी रही तो अलकनंदा के किनारे बस रहे इलाकों को खाली कराया जा सकता है। उधर उत्तरकाशी में गंगा का रूप डरावना नजर आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के पास गंगा उग्र रूप में है। वहीं नदी के पास रहने वाले साधु संन्यासी और पुरोहितों को बढ़ते जलस्तर का डर सता रहा है। किसी प्रकार से RCC बनवा दिया जाए ताकि सुरक्षित बच जाए। हमें कोई बचने वाला नहीं है। आश्रम बहुत खतरे में है। सिंचाई विभाग ने अभी तो 15 जाला लगवाया है और फिर उसमें से ही और जाले टूट गए। 3 जाले कह गए थे क्या आपने, उन्हें पुनः बनवा दिया जाए तत्काल में इमरजेंसी। अब तक गंगा नदी जहां गंगा निकेतन और विष्णु टापू के नजदीक बहने लगी है, तो वहीं भूस्खलन होने से बड़े बड़े पत्थर गंगा का रास्ता रोक रहे हैं। ये किसी भी वक्त बड़े खतरे की वजह बन सकते हैं। गंगा निकेतन में एक बड़े पत्थर को गिरा दिया है और ये बहुत ही खतरा बन सकता है। इस कार्य को तत्काल ही बनना होना चाहिए और इस साइड में भी जो है पक्का निर्माण घाट का होना चाहिए। बड़े पत्थर के नीचे भी जो है माँ गंगा ने जो है अपना कटाव शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी जो है कुछ पोस्टिंग वाल या कोई दीवार या कोई खनिजे वगैरह जो भी हो विशेष व्यवस्थाएं सरकार करे, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो है मेन रास्ते को भी खतरा न हो। गंगोत्री धाम के स्नान घाट के पास भी गंगा का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है। लहरों की रफ्तार और ऊंचे पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद गंगा का पानी घाट के ऊपर से बह रहा है। उत्तराखंड में जहां नदियां डरा रही हैं, तो वहीं पहाड़ भी दहशत पैदा कर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ से जंगल खिसक कर ऐसे नीचे आया कि हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद लोग गाड़ियों समेत आनन फानन में बचाव के लिए भागते नजर आए। भूस्खलन से बंद हुए नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। बीआरओ की टीम दिन रात काम में जुटी है। भारी बारिश के बाद जहां पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में प्रवीण सेमवाल के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक।